नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अब अगर चाहो तो आप क्लास से जुड़े पीडीएफ इंस्टा मोजो पर खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अनअकैडमी पर भी आ गया हूँ, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, और फ्यूचर में मैं भी अनअकैडमी में अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप सीधे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज की क्लास में हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे, जिसको नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बैंक पे बात कर चुके हैं, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है, थोड़ा बहुत मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया है। अब बात करेंगे इसका जो उद्देश्य था और इससे जुड़ी बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण तथ्य, इस पर भी आज बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीयकरण होता क्या है। दोस्तों, अगर निजी बैंक सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है, अर्थात जो अंश पूंजी जिसको हम शेयर कहते हैं, यदि 50% से ज़्यादा सरकार खरीद लेता है तो वही राष्ट्रीयकरण कहलाता है, जिसे हम सरकारी बैंक भी कह देते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यही होता है अगर सरकार 50% से ज़्यादा पूंजी जो है शेयर जो है खरीद लेता है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं या क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, कि एकदम सिंपल उद्देश्य था। जो प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, प्राइवेट जो है वो गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती थी, उतना प्रॉफिट नहीं होता था, इस कारण वो गांव में जाने से मना कर देता था। और किसी को सस्ता लोन भी वो नहीं देना चाहता था, वो अपना प्रॉफिट ही देगा देखेगा प्राइवेट बैंक है तो, ठीक है, अपना लाभ ही देखेगा, तो वो सस्ता लोन क्यों दे, वो घाटे क्यों सहे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ भी थी, तो इस कारण को दूर करने के लिए, ठीक है, गांव व गरीबों को बैंकों की सुविधा देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब सरकार ने ये फैसला लिया कि अब हम बैंक चलाएंगे, हम जो है गांव में बैंकों की सुविधा देंगे, सस्ते लोन का जो है व्यवस्था हम करेंगे, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो कब कब किया गया, इस पर हम बात करते हैं। 1969, ये ईयर जो है आप डेट एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, और कितने बैंकों का हुआ अच्छे से याद रखना, और कितनी अंश पूंजी थी ये भी अच्छे से याद रखना। एक लाइन में तीन चीज़ें छुपी है और तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी जमा पूंजी उस समय कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, तो जिनकी जिनकी भी जो है 50 करोड़ थी जमा पूंजी, उनको 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, तो पहला 1969 में कितना, 50 करोड़ से अधिक था जिनकी अंश पूंजी, 14 बैंक, और 1980 में 6 बैंक का जिनकी अंश पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगर कौन कौन सी 14 बैंकों की बात किया जाए, तो यहाँ पे मैंने पूरा 14 बैंक लिखा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया से लेके सारे चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, एक एक को हम पढ़ेंगे तो बस वीडियो लंबा होगा। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब 1980 में जो 6 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें यहाँ पे देखिए आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक, विजया बैंक। अब ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों को आपस में जोड़ के पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया, तो टोटल कितने बैंक हुए, 14 और 6 20 होना चाहिए था, लेकिन ये हट गया, मतलब 14 और 5 19 हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कुल बैंक 20 होना चाहिए था, बाद में क्या हुआ, 1963 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में कर दिया गया, तो टोटल जो बैंक हो गए राष्ट्रीयकृत वो 19 हो गया। और यही जो है आंकड़ा आपको याद रखना है, वर्तमान में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर आपको पूछा जाए तो वो कितने हैं, 19 हैं। ठीक है, अब बैंकिंग संरचना यहाँ पे बात करते हैं, RBI, ठीक है, सबसे ऊपर RBI होती है बैंकिंग में, उसके बाद जो वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो अभी हम वाणिज्यिक बैंक के बारे में बात करेंगे, मतलब कमर्शियल बैंक के बारे में बात करेंगे। ये जो क्या करती है, आधारभूत बैंकिंग, मतलब ऋण लेन देन करती है। ठीक है, और ये इंडियन बैंक एक्ट 1949, पिछले क्लास में हमने बात किया था। ठीक है, इसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो जो भी बैंक जो निजी हो या सरकारी हो, अगर नया बैंक
उनको खोलना है, ठीक है। तो वो इंडियन बैंक 1949 के तहत जो भी प्रोसीजर उसका होता था, इसके तहत वो रजिस्ट्रेशन करा कर जो है बैंक का निर्माण किया करते थे, ठीक है। ग्रामीण विकास बैंक जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बैंकिंग सुविधा देने के लिए बाद में बनाया गया। और वाणिज्यिक बैंक जो है कमर्शियल बैंक, उनमें बात करते हैं अनुसूचित बैंक क्या होता है और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है, ठीक है। अनुसूचित बैंक मतलब शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, और गैर अनुसूचित मतलब नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, ये जनरली आपको पूछा ही जाता है। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, उन बैंकों को कहा जाता है जो आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची दो, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची दो में जो अपना नाम सम्मिलित करवा लिए हैं, जिनका नाम सम्मिलित है वो अनुसूचित बैंक हैं, ठीक है। और अनुसूचित बैंक अगर बनना है, बनने हैं, उनके जो है जो शर्तें हुआ करती थी कि उनकी जो अंश पूंजी है कम से कम 5 लाख हो, ठीक है, विश्वास हो कि जनता के हित में वो कार्य करेंगे। और इनमें लाभ क्या मिलता था, इनमें बिल डिस्काउंटिंग के तहत मतलब पुनर्बट्टा सुविधा के तहत आरबीआई से ये लोन प्राप्त कर सकती हैं। पुनर्बट्टा क्या होता है, हमने पहले ही बात कर चुका है, ठीक है। ऋण काट कर जो है ऋण देना, मतलब ब्याज पहले से काट कर, सॉरी, ब्याज काट कर ऋण देना, ठीक है, ब्याज पहले से काट कर जो ऋण देते हैं पुनर्बट्टा। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट में लोन देन लेन देन करने लगेगा, ठीक है, लोन देने लगेगा। और क्या होगा, इंटरनेट ट्रांजेक्शन सस्ता होगा। तो भारत के जो तकरीबन 99% जो बैंक हैं, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, खुद को अनुसूचित बैंक बनाते हैं, ठीक है, तभी उनको कुछ फायदा होगा और बहुत सारे इनको सुविधाएं भी मिलती हैं। वाणिज्यिक बैंक की जो संख्या अगर बात किया जाए तो 93 है, अगर आपको पूछ दिया गया तो याद रखिएगा, जो कमर्शियल बैंक है टोटल इंडिया में वो 93 है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य क्या होते हैं, तो इसके मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो जमा करना, पैसा जमा करना मतलब, ठीक है, डिपॉजिट करना और ऋण देना, ठीक है, जमा करना और ऋण देना, जमा लेना और ऋण देना, ये जो इसके मुख्य कार्य हो गया। और गौण कार्य के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, एजेंट के रूप में क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है, कैब क्रय विक्री करती है, प्रतिभूति की मनी ट्रांसफर करती है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करती है, प्रॉपर्टी की ट्रस्टी बनती है, ठीक है। और अन्य कार्य क्या है, यूटिलिटी सर्विस, परिवहन सुविधा देती है, लॉकर की सुविधा देती है, ये सब आप सुने होंगे, क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, बैंक के कार्य जनरली आप सभी को पता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ जो आपको, अगर आपको टर्म पूछ जाए तो वो कैसे होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं, जैसे निजी बैंक, विदेशी बैंक, ठीक है। यदि अंश पूंजी जो शेयर होता है का 50 से ज़्यादा भाग, 50% से ज़्यादा, चाहे वो 51% ही क्यों ना हो, निजी लोगों के पास होता है तो निजी बैंक हो गया। अगर वही सरकारी लोगों के पास होगा तो सरकारी हो जाएगा। और अगर विदेशी नागरिक के पास होगा कितना, अंश पूंजी 50% से ज़्यादा, तो वो हो जाएगा विदेशी बैंक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बैंक का निर्धारण किया जाता है कि कौन विदेशी है, कौन क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम बैंकों की संरचना पे, ठीक है। तो बैंकों की संरचना पे ये देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या होता है, आरबीआई होता है। तो इसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। तो अनुसूचित क्या होता है, हमने बात किया था, ठीक है। इसके नीचे क्या आपको देखने को मिलेगा, अनुसूचित बैंक के नीचे वाणिज्यिक बैंक और सहयोगी बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अभी हम कमर्शियल बैंक में ही बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक क्या होता है, देशी हो गया मतलब इंडियन बैंक हो गया, और फॉरेन बैंक, ठीक है, बाहर के जो बैंक हो गए, विदेशी बैंक हो गए। अब देसी बैंक में, इंडियन बैंक में भी आपको क्या मिलेगा देखने को, सरकारी, ठीक है, और निजी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। और विदेशी में जो एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, HSBC, दोहा बैंक, तो ये जो सारे बैंक हैं वो बाहर की बैंक है, ठीक है, विदेशी बैंक है। तो आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं, सर्च कर लीजिए टॉप 10 बैंक, टॉप 10 फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया गया तो कम से कम आपको नाम पता हो, तो इतना जो है इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आप नेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं।
ठीक है। अब सरकारी बैंक में बात करते हैं तो कुल सरकारी बैंक 20 हो गया, एक तो SBI हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीय के 19 बैंक हम पढ़े थे वो हो गया, ठीक है। और निजी बैंक कौन सा हो गया, प्राइवेट बैंक, तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कर्नाटका बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस इंड बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो बैंक हैं, ये सारे बैंक आप याद रख लीजिएगा, ये सारे बैंक जो हैं प्राइवेट बैंक हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ बैंक हम पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो वास्तव में वो ऐसा होता है, सेंट्रल बैंक मतलब RBI के नीचे क्या आएगा, शेड्यूल्ड अनुसूचित बैंक और अनशेड्यूल्ड, ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक। उसके बाद वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक और सहयोगी बैंक, ठीक है। तो हमने आज क्या है, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़े कि इसमें जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, विदेशी बैंक, ठीक है, और इनके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स होता है, ठीक है, और कोऑपरेटिव में होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसको हम लोग क्या है आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वाला फ्लो चार्ट भी आप बनाकर रख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है बैंकिंग मतलब कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो देखेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।